महाराष्ट्र की दो राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के नामांकन की आज आखिरी तारीख थी। बीजेपी और एनसीपी ने एक एक उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने धैर्यशील पाटिल को तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी ने नितिन पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे समेत कई नेताओं की मौजूदगी में नितिन पाटिल ने अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं भाजपा की तरफ से धैर्यशील पाटिल ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। नितिन पाटिल एनसीपी विधायक के भाई हैं और सतारा जिला में उनका दबदबा है। नितिन पाटिल सतारा डीसीसी बैंक के चेयरमैन भी हैं। अपने बैंक के एक इवेंट को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। वह कई मंचों पर अजीत पवार के साथ भी नजर आ चुके हैं। पिछले दिनों उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें महाराष्ट्र कृषि दिवस पर वह ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए थे। महाराष्ट्र की दो सीटों समेत राज्यसभा की रिक्त हुई कुल 12 सीटों पर 3 सितंबर को मतदान कराया जाना है। इनमें से ज्यादातर सीट राज्यसभा सदस्यों के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण रिक्त हुई है। महाराष्ट्र में उदयन राजे भोसले और पीयूष गोयल लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। आपको बता दें कि ये दोनों ही सीटें बीजेपी की थी, लेकिन महायुति में हुए समझौते के तहत बीजेपी ने एक सीट एनसीपी को देने का फैसला किया। हाल ही में अजीत पवार ने कहा था कि संसद में हमारे एक और सांसद होंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के 6 राज्यसभा सांसद हैं, वहीं एनसीपी के पास अभी केवल 1 सांसद हैं। हाल ही में अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस आदरणीय राष्ट्रीय नेते अमित भाईंच्या समोर चर्चा झाल्यानुसार साताराच्या जागेच्या बाबतीमध्ये ही जागा राज्यसभेची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला देण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाने जो घेतला त्याच्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने, दादांच्या वतीने, प्रफुल्लबाईंच्या वतीने मी आदरणीय अमितबाई आणि भारतीय जनता पक्षाचे सुद्धा मनापासून आभार या ठिकाणी मानतो। त्याचबरोबर ती आम्ही त्यावेळेला शब्द दिला होता की साताराची जागा लोकसभेची आम्हाला लढायला मिळावी, साताऱ्यातील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा होती। 99 सालापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सातारा मतदारसंघातून निवडून आलेला होता, त्यामुळे ज्या वेळेला या जागेवरती राज्यसभा निवडणूक जागा देण्याचं निश्चित झालं त्याच वेळेला पक्षाच्या पार्लमेंटरी बोर्डाने ही जागा साताऱ्यातील सहकाऱ्यांना द्यायची असा निर्णय घेतला होता। त्याच्या अनुषंगानेच परवा रात्री पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक झाली आणि त्याच्यामध्ये एकमताने आम्ही नितीन पाटील यांची उमेदवारी जाहीर केलेली आहे। मी या गोष्टीचं मनापासून स्वागत करतो आणि मला विश्वास आहे की साताऱ्याची जनतासुद्धा दादांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आगामी येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये अधिकतर ताकद त्या ठिकाणी देईल। सुरुवातीला ज्या वेळेला चर्चा झाली आदरणीय अमितबाईंच्या समोर त्यावेळेला ज्या ठिकाणी आज आम्ही अर्ज नितीन पाटलांचा भरला त्याच जागेची चर्चा त्यावेळेला झालेली होती। आता आम्ही अर्ज जागा भरला तो पीयूष गोयल यांच्या जागी भरलेला आहे, त्याचा कार्यकाळ सर्वाधिक राहील निश्चितच, आणि ती चर्चा त्याच वेळेला आदरणीय राष्ट्रीय नेते देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितबाईंच्या उपस्थितीमध्ये देवेंद्रजी शिंदेसाहेब, दादा, मी प्रफुल्ल पटेल साहेब आणि मग बावनकुळे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेली आहे।